आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं पुदीने की खट्टी मीठी चटनी। ये बहुत ही टेस्टी होती है फ्रेंड्स, एक बार आप इसको जरूर ट्राई कीजिए और आप इसको बनाकर कम से कम 5 से 6 दिन फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं पुदीने की चटनी, ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है खट्टी मीठी। इसके लिए हम पुदीना लेंगे पहले मिक्सी के जार में। बढ़िया इसको धो लिया है, इसको धो के साफ कर लीजिए। अब इसी में हम गुड़ डालेंगे, अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहते तो शक्कर भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, गुड़ या शक्कर दोनों में से कुछ भी डालें। अब इसी में हमारा जाएगा इमली, जो हमने पहले से गला के रखी थी फ्रेंड्स। ये इमली हैं, इनको हमने गला के रखा था। अगर आपके पास इमली नहीं हो तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। ये इमली 1-2 घंटे पहले गला दीजिए ना। और इसी में अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून नमक जाएगा। इसी में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून मिर्ची। मिर्ची और नमक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें थोड़ा सा वो इमली वाला पानी डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। हाँ फ्रेंड्स, अब हम हमारी चटनी देख लेते हैं। देखिए ये कितनी अच्छी बनी है, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में खट्टी मीठी चटनी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे घंटी का बटन है उसको दबाइए जिससे कि मेरी नई नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।